हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ पनीर आलू ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ। जिसके लिए सामान है बेसन, इसको मैंने ये घोल के रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं मसाला डालूँगी तो आपको दिखाऊँगी। साथ में ये स्लाइस हैं पनीर के, और ये चार ब्रेड पीस रखे हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने आपको दिखाने के लिए ये सिर्फ चार स्लाइस ली हैं ब्रेड की, और साथ में ये आलू है उबला हुआ जिसको मैंने ये मिक्स करके रखा है। इसमें मैंने ऑनियन का छोटा सा टुकड़ा काट के भी डाला हुआ है, साथ में हरी मिर्चें और धनिया की कुछ लीव्स है। तो आप प्याज को स्किप भी कर सकती हैं। तो चलिए अब हम मसाले की तरफ चलते हैं। ये मैंने बेसन किया है, तो आप बेसन के हिसाब से इसमें सॉल्ट डाल सकती हैं, नमक। तो मैंने ये छोटी चम्मच से आधी चम्मच नमक डाला है, क्योंकि हमारे मसाले में भी नमक पड़ेगा। और साथ में ये थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। और इसको फिर इस तरीके से घोल के, क्योंकि मैं घोल ऑलरेडी बना चुकी हूँ, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसको भी मैंने ये घोल के तीनों चीज़ें मिला दी हैं। अब हम बढ़ते हैं मसाले की तरफ। तो मसाले में ये मैंने मसाला जो तैयार करके रखा है, इसमें मैं सबसे पहले थोड़ी सी ये खटाई अमचूर पाउडर मैंगो ड्राई, तो ये डाल दूंगी जिससे खूब चटपटा सा हो जाए। और साथ में ये थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने बेसन में भी नमक डाला तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा ही नमक डालूंगी। और इसके साथ ही मैंने ये रोस्टेड जीरा पाउडर रखा है, अपने ही होममेड बनाया है, तो उसको भी इसमें डाल दूंगी। और इसके साथ ही थोड़ी सी ये देगी मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए, क्योंकि मैंने हरी मिर्च एक काट के डाली है, तो जिससे तीखा ना हो। आप अगर तीखा पसंद ज़्यादा नहीं करते हैं तो हरी मिर्च और लाल मिर्च को स्किप कर सकते हो। तो चलिए, नमक भी डाल दिया और रोस्टेड जीरा पाउडर, साथ में ये लाल मिर्च। तो अब हम इस मसाले को भी इस तरीके से अच्छी तरह से मिला देंगे। हेलो फ्रेंड, अब मैं ब्रेड पकौड़ी बनाने के लिए जो मैंने ये सामान तैयार किया था फिलिंग इसके अंदर की, तो उसको दिखा, साथ में मैंने ये हरी चटनी भी बनाई है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है इस ब्रेड पकौड़े के लिए। तो चलो अब तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ये चटनी को इस तरीके से ब्रेड पे लगा लेंगे। ऐसे ही हम ये सेकंड ब्रेड को भी तैयार करेंगे। धनिया की चटनी है ये। ये देखिए, ये मैं बना चुकी हूँ। और इसके ऊपर ये स्लाइस रखी है मैंने पनीर की, जो मैंने ये पतली पतली काट के रखी हुई है, ये तैयार कर चुकी हूँ। और इसके ऊपर ये मैं हल्का सा चाट मसाला, हल्का सा डालना है, ज़्यादा नहीं, ये हल्का सा चाट मसाला, और थोड़ी सी ये लाल मिर्च, ये बिल्कुल थोड़ी सी। और साथ में अब ये जो सेकंड ब्रेड हमने रखी है, इसमें जो आलू का मसाला मैंने तैयार किया था, अब इसको मैं इसमें फिलअप कर दूंगी ये इस तरीके से। और जो सेकंड पीस है उसमें भी मैं ये लगा लूंगी। ये देखिए, अब इसके बाद जो ये मेरा है आलू वाला हिस्सा, मैं इस वाली ब्रेड के ऊपर ऐसे करके पलट के रख दूंगी। अब इसको हल्के हाथ से पुश करूंगी, हल्के हाथ से, ज़्यादा जोर से नहीं, और इसको भी इसमें रख लूंगी। हेलो फ्रेंड, तेल मैंने चूल्हे में गरम करने के लिए रखा था, तो अब हम देखते हैं कि हमारा तेल गरम हुआ कि नहीं। तो ये छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा डाल के देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए बबल उठ रही हैं, तो हमारा ऑयल ये गरम हो चुका है। चलिए अब हम इसमें जो हमने ब्रेड तैयार की थी, अब हम इसको ये घोल में इस तरीके से
जिससे हमारा ये बिल्कुल हल्का सा, इसको थोड़ा सा ऐसे निकाल देंगे हम एक्स्ट्रा जो हमारा घोल लगा हुआ है, और बिल्कुल सावधानी से हम इसमें अपने ब्रेड को डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा लगा हुआ है मसाला ऊपर से जो ब्रेड का इसका बनाया था हमने बेसन का, और इसको हम पकने तक इसको उलट पलट करेंगे। फिर हेलो फ्रेंड, ये देखिए इतना सिकने के बाद मैंने इसको पलट लिया है, हल्का सा ये गोल्डन हो चुका है। तो आप भी इसी तरीके से, और जो ये चम्मच है इससे हमने ऐसे करके उसके ऊपर तेल डाला था जिससे वो टूटे नहीं और जल्दी पक जाए। तो ये देखिए अब ऐसा ही हम सेकंड पार्ट, मतलब जो नीचे का पार्ट है उसको भी सिकने देंगे। हेलो फ्रेंड, अब मैं ये फर्स्ट पीस तैयार हो चुका है, मैं ये सेकंड पीस भी बड़े आराम से डाल रही हूँ। और अगर ये हल्का सा ऊपर से बेसन का घोल कम लग गया तो ये चम्मच के सहारे से इसको इस तरीके से इसको स्टफ को ढंग से ये लगा लो। तो बस अब हम इसको भी हल्के सिकने देंगे गोल्डन होने तक, और ऐसे करके हल्का हल्का जो ऊपर का साइड है हम ऐसे तेल को डाल देंगे जिससे हमारा बेसन अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा पक के, और नीचे का हल्का गोल्डन होने के बाद हम उसको पलट देंगे। हेलो फ्रेंड, ये मेरा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको प्लेटिंग के लिए ये इस तरीके से इसको कटिंग कर दूंगी और प्लेटिंग बना दूंगी। ये देखिए ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, और ये मैंने प्लेटिंग कर दी है। आप ये सॉसेस और हरी चटनी या मीठी चटनी किसी के साथ भी आप ले सकते हैं, बनाइए खाइए और पूरी फैमिली को खिलाइए। तब तक के लिए नमस्ते।